है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की विस्फोटक चिट्ठी सामने आने के बाद अब उद्धव ठाकरे एक बार फिर से बेनकाब हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस चिट्ठी की प्रमाणिकता को लेकर संदेह जाहिर किया था, लेकिन अब खुद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने इस बात का खुलासा किया है कि दरअसल ये चिट्ठी उन्हीं के मेल अकाउंट से भेजी गई थी और ये कोई फेक चिट्ठी नहीं है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, संजय राउत का भी बड़ा बयान इस चिट्ठी को लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर अब तमाम सहयोगी दलों को आत्ममंथन की जरूरत है। तो फिलहाल महाराष्ट्र सरकार लगातार फंसती नजर आ रही है और जो बयान एनसीपी से लेकर शिवसेना के नेताओं के सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से डर कहीं ना कहीं अब जांच का उन्हें सता रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलें लगातार महाराष्ट्र सरकार की बढ़ रही हैं। लेकिन इस बीच परमवीर सिंह की जो चिट्ठी सामने आई है वो अपने आप में महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कई अहम बातें इस चिट्ठी में लिखी गई हैं, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से 100 करोड़ का एक टारगेट महीने में अनिल देशमुख की तरफ से मुंबई के पुलिस अधिकारियों को दिया गया था कि किस तरीके से 100 करोड़ वसूले जाए। उसमें अनिल देशमुख उन्हें गाइड कर रहे थे कि किस तरीके से वो ये वसूली कर सकते हैं, महीने में ये टारगेट पूरा किया जा सकता है। तमाम अहम बातें उस चिट्ठी में लिखी गई थी और जब ये चिट्ठी सामने आई तो अनिल देशमुख पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पत्र की प्रमाणिकता को लेकर ही संदेह जताया था। उन्होंने कहा कि इस पत्र पर परमवीर सिंह के हस्ताक्षर नहीं थे और इसे जीमेल अकाउंट से भेजा गया है। उन्होंने कहा कि दरअसल परमवीर सिंह के जो ऑफिशियल मेल अकाउंट है उससे इस चिट्ठी को नहीं भेजा गया है, इसलिए ये पूरा जो पत्र है, ये जो पूरी चिट्ठी है, ये फेक है, ये उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया था। तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो आरोप लग रहे थे उन्हें झुठलाने की कोशिश उद्धव ठाकरे की ओर से की जा रही थी, लेकिन खुद अब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने इस चिट्ठी की प्रमाणिकता को लेकर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि दरअसल उन्होंने ही ये लेटर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा है और इसकी एक और कॉपी वो उद्धव ठाकरे को सेंड करने जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब महाराष्ट्र सरकार फंसती नजर आ रही है, शिवसेना से लेकर एनसीपी के तमाम नेता अब अलग अलग जो बयान है उनके वो सामने आ रहे हैं। बयानों को लेकर बिल्कुल भी स्पष्टीकरण किसी भी नेता में नजर नहीं आ रहा है, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, एनसीपी प्रमुख शरद पवार हो या फिर अनिल देशमुख हो। तमाम नेताओं के बयान हर एक मामले में, हर एक एंगल में अलग ही नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में शक का जो दायरा है वो और ज्यादा अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार पर बढ़ता जा रहा है। इस बीच परमवीर सिंह ने जो लेटर उद्धव ठाकरे को लिखा है उसके बाद कहीं ना कहीं सियासी भूचाल एक तरीके से महाराष्ट्र में आ चुका है। लगातार बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को घेरती नजर आ रही है, लेकिन परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी कहीं ना कहीं उसको लेकर भी एक रणनीति उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने तैयार की थी कि इस चिट्ठी को ही नकार दिया जाए। लेकिन एक बार फिर से परमवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि उनके ही मेल से यह लेटर भेजा गया था जिसे कहीं ना कहीं शिवसेना झुटलाने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं जिस तरीके से उन पर यह वसूली का एक बड़ा आरोप लगाया गया है। मांग इस्तीफे की अनिल देशमुख के लगातार तेज हो रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं दे देते तब तक उनका जो ये विरोध प्रदर्शन है ये लगातार जारी रहेगा। लेकिन इस बीच शिवसेना के नेता संजय राउत का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस चिट्ठी को लेकर जिस तरीके से सियासी भूचाल महाराष्ट्र में छाया हुआ है इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि दरअसल बेहद ही गंभीर मामला है जिस तरीके से मुंबई पुलिस पर तमाम प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अनिल देशमुख का नाम भी इस चिट्ठी में सामने आया है उसको लेकर संजय राउत ने कहा है कि सभी सहयोगी दलों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सभी दल जो हैं उन्हें ये जांचना चाहिए कि क्या उनके पांव जमीन पर हैं या फिर नहीं।
मैंने पहले भी कहा था कि कुछ मामलों में राज्य सरकार को पहले से नजर रखनी चाहिए और कुछ अफसरों की निगरानी की जानी चाहिए। तो ये संजय राउत का बयान है, लेकिन आपको बता दें संजय राउत भी शुरू से ही एंटीलिया विस्फोटक केस में जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं, फिर चाहे वो सचिन वाजे को लेकर हुए हो या फिर NIA को, उनके हाथों तमाम सबूत लगे हो, लगातार अपने बयान पलटते ही नजर आए हैं। शुरुआत में अगर बात की जाए तो संजय राउत सचिन वाजे को एक काबिल ऑफिसर का दर्जा देते नजर आए, लेकिन उसके बाद जब NIA को उनके खिलाफ सबूत मिलने लगे और ये सामने आया कि किस तरीके से वो ये बात कह रहे हैं कि शिवसेना के बड़े नेता इस साजिश का हिस्सा हैं, उसके बाद संजय राउत का एक अलग ही रूप देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सचिन वाजे पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर है, NIA इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अगर वो दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें सचिन वाजे एक प्रमुख शख्स इस पूरे केस में रहे हैं, एक शिवसेना का जाहिर तौर पर हिस्सा रहे हैं, ऐसे में शिवसेना फंसती नजर आ रही है क्योंकि 2008 में एक सस्पेंड पुलिस अधिकारी को उन्होंने एक पार्टी को ज्वाइन कराया, उसके बाद जिस तरीके से कोरोना का बहाना लेकर उसे नौकरी पर बहाल कर दिया गया, ये तमाम ऐसी चीजें हैं इस पूरे मामले में जो सवालों के घेरे में जिसको लेकर फिलहाल शिवसेना है और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे संजय राउत लगातार अपनी इस जो आरोप लगातार उन पर लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उससे पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं ताकि खुद को NIA की जांच से दूर किया जा सके। और जाहिर तौर पर शुरू से जिस तरीके से शिवसेना इस पूरे मामले में ये कह रही थी कि ATS मुंबई ATS इस काबिल है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मुंबई ATS सरकार के इशारे पर ही काम करेगी, तो ऐसे में अगर महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर मुंबई ATS जांच करेगी तो आखिर इस पूरे मामले की जो निष्पक्ष जांच है वो कैसे हो पाएगी, ये सवाल लगातार बना हुआ था। ऐसे में अब जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर परमवीर सिंह की चिट्ठी ने एक सियासी भूचाल महाराष्ट्र में लाकर खड़ा कर दिया है। NCP प्रमुख शरद पवार खुद को अलग करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, यही वजह है कि अनिल देशमुख को लेकर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। आखिर कब उनका इस्तीफा होगा, ये मांग लगातार BJP की ओर से की जा रही है। अगर बात संजय राउत की जाए तो उन्होंने जो कहा है कि दरअसल सहयोगी दलों को मंथन करना चाहिए, लेकिन जरूरत है कि शिवसेना इस पर विचार करे कि आखिर क्या साजिश, क्या षड्यंत्र उन्होंने सचिन वाजे और परमवीर सिंह जैसे अधिकारियों के साथ मिलकर रचा है, क्योंकि इस षड्यंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा शिवसेना है। शिवसेना चूंकि महाराष्ट्र में सरकार का एक अहम हिस्सा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल अब पूरी सरकार पर उठ रहे हैं और NCP कांग्रेस पार्टी शिवसेना तीनों ही पार्टियां फिलहाल सवालों के घेरे में हैं। लेकिन इस बीच संजय राउत ने दरअसल एक शायराना अंदाज में ट्वीट भी किया, उन्होंने सुबह ट्वीट किया। संजय राउत ने गीतकार जावेद अख्तर की एक शायरी को ट्वीट करते हुए लिखा, शुभ प्रभात, हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है, हम हैं मुसाफिर ऐसे जो मंजिल से आए हैं। ये ट्वीट संजय राउत का था, जिस पर BJP नेता राम कदम ने पलटवार करते हुए ये सवाल महाविकास अगाड़ी सरकार से पूछा है कि दरअसल अगाड़ी सरकार से ये पूछना चाहिए कि आखिर वो कौन से नए रास्तों की बात कर रहे हैं, क्या वसूली का अब नया रास्ता वो अपनाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो महाराष्ट्र में जारी है। शिवसेना NCP कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के बयानों को दरकिनार नहीं किया जा रहा है, जिस तरीके से इस मामले में बयान सामने आ रहे हैं लगातार उस पर पलटवार BJP की ओर से किया जा रहा है। रामकदम क्रीट सोमैया जैसे BJP के नेता महाराष्ट्र में लगातार शिवसेना पर हमलावर नजर आ रहे हैं और संजय राउत के जो बयान है वो अपने आप में उसमें स्पष्टीकरण नहीं है कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ शिवसेना मुश्किल में फंसी हुई है जिस तरीके से सचिन वाजे और परमवीर सिंह जैसे अधिकारी लगातार उनकी पोल खोलने में लगे हुए हैं, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, शरद पवार के तमाम ऐसे बड़े नेता महाराष्ट्र में जो अब फिलहाल सवालों के घेरे में हैं, आखिर ये अपने आप को किस तरीके से अपना स्पष्टीकरण दे पाएंगे, किस तरीके से अपने आप को ये सामने रख पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि लगातार NIA की जांच का सिकंजा इस मामले में आगे बढ़ता जा रहा है, गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। आपको बता दें ना सिर्फ सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई है बल्कि इसके अलावा भी दो और शख्स को मुंबई ATS ने गिरफ्तार किया है, तो गिरफ्तारियां लगातार इस मामले में हो रही है। लेकिन फिलहाल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, जिसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने कई बीते मामलों में किया है, फिर चाहे वो
सुशांत सिंह राजपूत का केस रहा हो या तमाम दूसरे मामले रहे हो, जिस तरीके से मुंबई पुलिस का इस्तेमाल किया गया, परमवीर सिंह जैसे अधिकारी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना ने किया है, तो ऐसे में अब वही जब उनका तबादला हो चुका है, जब उन पर महाराष्ट्र सरकार ने शिकंजा कसा है, तो वो अब लगातार महाराष्ट्र सरकार की पोल खोलने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से वसूली का एक बड़ा कारोबार महाराष्ट्र में चल रहा है, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से लगातार अब तमाम नेता महाराष्ट्र में सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे, संजय राउत, अनिल देशमुख, शरद पवार जैसे नेताओं की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।